नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पुलिस कमिश्नर जालंधर ने पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस किए जारी। डिप्टी कमिश्नर जालंधर ने नकोदर और शाहकोट मंडियों में धान खरीद की प्रक्रिया का किया निरीक्षण। 211 करोड़ रुपए का भुगतान किया सुनिश्चित। भारत विकास परिषद आस्था जालंधर शाखा द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 के तहत पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आगामी दिवाली पर्व के मद्देनजर जालंधर पुलिस द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये लाइसेंस ड्रॉ प्रणाली के माध्यम से उनकी सीधी निगरानी में आवंटित किए गए हैं। स्वप्न शर्मा ने बताया कि कुल 133 व्यक्तियों ने पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 4 आवेदन रद्द किए गए हैं। 18 अक्टूबर 2024 को रेड क्रॉस भवन जालंधर में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत ड्रॉ निकाला गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों के अलावा डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम, फायर ब्रिगेड जालंधर के कर्मचारी भी मौजूद थे। ड्रॉ के जरिए कुल 129 आवेदनों में से 20 व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ने लाइसेंस धारकों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पंजाब सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जालंधर पुलिस पटाखों की बिक्री पर नजर रखेगी और अवैध बिक्री या प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करेगी। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर कितने फॉर्म पर है और कितने ड्रॉ? 133 फॉर्म पर है, उन्होंने जो भी ड्रॉ निकले है सर। कोई गाइडलाइंस वगैरह देते हैं? गाइडलाइंस तो चंडीगढ़ तो आ जाएंगे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट तो उस डिपार्टमेंट में फॉर्म हो गई है, इन्होंने भी सानू गाइडलाइंस की एक कॉपी प्रोवाइड कर दी। किस मंच कटे गए जी? अगे जी फायर क्रैकर के जरा लाइसेंस जारी कर रहे थे, संबंध में अगर ड्रा कटे गए। ये साढ़े को 133 जीडिया एप्लीकेशन जी सू प्राप्त हुई, वो जे 129 जे सफल हुए थे, कुछ रिजैक्ट हो गए थे फार्म, उन्होंने 129 असं भी ड्रा कटे आ। ये बिल्कुल मानजोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हदायत आ उन्होंने पालना कराई गई है और बिल्कुल जरा पारदर्शी तरीके अज ड्रा जरा चढ़िया सिरे चढ़िया, जिसे 20 सफल जोड़े लाइसेंस होए आ उन्होंने अज इतने सारे दिखा गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने धान की खरीद प्रक्रिया का गहन निरीक्षण करने के लिए सब डिवीजन नकोदर और शाहकोट की अनाज मंडियों का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसानों से खरीदे गए धान की सही समय पर ढुलाई हो और उन्हें समय पर भुगतान किया जाए। तो वहीं डॉक्टर अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर देरी ना हो और किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। इस दौरान उन्होंने मंडियों में चल रही खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले की मंडियों में अब तक 115,882 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इनमें से सरकारी खरीद एजेंसियों ने 109,232 मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी कर ली है। इसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल ने जानकारी दी कि अब तक 211 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद आस्था जालंधर शाखा द्वारा साईदास एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल चौक जालंधर में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल राकेश शर्मा, डॉक्टर राजेश मन्नण, मनोज हांडा और प्रधान गुलशन अरोड़ा ने ज्योति प्रज्वलित कर और वंदे मातरम के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में 5 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिंदी और संस्कृत में राष्ट्रीय भक्ति गीत गाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राजेश मन्नण ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जबकि मंच संचालक, शाखा सचिव राज शर्मा, लक्ष्मी नारायण जोशी, कंकेश गुप्ता और शिव गुप्ता ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री, पंजाब
मोहिंदर भगत ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर शाखा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए शाखा को अपने फंड में से सहयोग देने की घोषणा की और सभी बच्चों को पुरस्कार भी दिए। इस मौके पर राजकुमार चौधरी, जीडी कुंद्रा, एनके महेंद्रू, नवनीत शारदा, संजीव शर्मा, समीर शर्मा, जोगिंदर शर्मा, संदीप सेठी, राजेश मेहता और कुलदीप जैन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। अमेरिकन स्कूल जंडियाला गुरु में वार्षिक खेल मुकाबले करवाए गए, जिसमें नगर काउंसिल के पूर्व प्रधान एडवोकेट राजकुमार मल्होत्रा, मेजर गौरव प्रताप, स्वर रेखा, वाइस प्रेसिडेंट अलका गुप्ता मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर एडवोकेट राजकुमार मल्होत्रा, प्रिंसिपल दशमेश महाजन और मेजर गौरव प्रताप द्वारा छोटे बच्चों के खेल मुकाबलों की शुरुआत की गई। इस दौरान बच्चों ने अलग अलग खेलों में भाग लेकर जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विजेता बच्चों को मुख्य मेहमानों की ओर से मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर दविंदर कौर, शरणजीत कौर, कोमलदीप कौर, मनजीत कौर, तजिंदर कौर, संदीप कौर, दीपी, प्रवीण कौर भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज अमेरिकन स्कूल वैरवाल रोड जंडियाला गुरु विखे छोटे बच्चों दी गेमां देख के बहुत मन खुश होया। ते स्कूल दे प्रबंधक जी दिनेश महाजन जी ते स्पैशल तौर पर आए मेजर गौरव प्रताप जी जो आर्मी च मेजर ने
उन्होंने भी आके बच्चों की हौसला अफजाई बधाई है। मैं तो यह कहूँगा कि जिथे बच्चों पढ़ाई अच्छी चाहिए है उत्थे उन्होंने स्पोर्ट्स भी रुचि अच्छी होनी चाहिए है। जो ये उपराला मैनेजमेंट वालों किया गया बहुत शलाघाजोग है तो सारे इलाके के जनेला गुरु के लागे बन्ने पिंड सारे ही लोगों के पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि एक नरोए बच्चे आ जड़ा पढ़िया लिखा बच्चा वह फ्यूचर ही कुछ होर हों। मैं बेनती करूँगा सारे पेरेंट्स को कि बच्चों वध चढ़ के गेमां दे विच खेडां दे विच उत्साहित करो ते इहो जे स्कूल जो उपराला करदे ने उहनां दी हौसला वधाई करो। सर अज अमेरिकन स्कूल वैरवाल रोड जड़ेला गुरु असी थर्ड स्पोर्ट्स डे मनाई जा रहे जिहदे छोटे बच्चे कल वड्डे बच्चे दी असी पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं। यह साडा फोर्थ डे है जी, ठीक है। तो असी कल ही चलांगे सी ते अज साडे जिहड़े मुख मेहमान जिहड़े हैगे है डॉक्टर मल्होत्रा जी हैगे ते मेजर गौरव प्रताप है। सर बच्चों वास्ते मैसेज यही है कि भी ये स्पोर्ट्स एक यहोजा इवेंट है कि पढ़ाई के नाल नाल स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये की है कि साड़ी एक स्पोर्ट्समैनशिप बनती है तो ना साड़ी फ्रेंडशिप सर्कल बहुत ज़्यादा बनता है तो बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। पेरेंट्स में यही अपील है कि काइंडली बच्चों को ज़्यादा फोर्स ना करो टूवर्ड स्टडीज़, बच्चों को स्पोर्ट्स के विच भी लेके आओ। दिवाली का पर्व नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो छुट्टी के दिन का इंतजार करते हैं ताकि अपने परिवार के साथ इस पर्व का आनंद ले सके। इस बार दिवाली की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन पैदा हो गई है क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार दिवाली दो दिन मनाई जा रही है। इस उलझन के चलते लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी या फिर 1 नवम्बर को। लोगों के बीच इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 अक्टूबर गुरुवार को राज्य में दिवाली की छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा 1 नवंबर शुक्रवार को विश्वकर्मा दिवस के मौके पर भी पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है, यानी पंजाब के लोगों को लगातार दो दिन छुट्टी का आनंद मिलेगा। पंजाब सरकार की घोषणा के अनुसार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिवाली की तारीख को लेकर पूरे देश में चल रहे संशय को भी काशी के विद्वानों ने दूर कर दिया है। हाल ही में काशी में एकत्र हुए विद्वानों ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पूरे देश में दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि दिवाली का प्रमुख दिन 31 अक्टूबर को ही होगा और इसी दिन पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाएंगे। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। देश और विदेश में दिवाली पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है जिसके चलते बाजारों में काफी रौनक देखने को मिलती है। दिवाली पर्व से संबंधित वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजारों में लोगों का तांता लगा रहा है। तो वहीं दिवाली पर्व के चलते जालंधर के अटारी बाजार और सुनार की दुकानों पर काफी चहल पहल रहती है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पाल गारमेंट से आंचल गुंबर एवं अमित गुंबर ने बताया कि बाजारों में दिवाली को लेकर बड़ी रौनक है और सभी दुकानदार खुश हैं कि दीपावली के मौके पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं उनके द्वारा भी इस साल घर को सजाने के लिए शुभ दीपावली के अच्छे डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक मोमबत्ती, फूल मोती वाली माला सहित ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो घर को और मंदिरों को सजाने में उपयोग होती हैं वो सभी वस्तुएं दुकानों पर उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इस दिन मिठाई के साथ साथ खुशियाँ बांट कर ये त्यौहार मनाना चाहिए। इस मौके पर सतपाल गुंबर, सुनीता गुंबर, सोनी, मनीष, आकाश, चानणा, दीपक, रूपम, मीनू, अनीता सहित कई लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
दीपावली पर्व जिहड़ा है वह खुशियां दा त्यौहार जिस दौरान लोग अपने घर नूं रंग बिरंगियां लाइटां दीपक जला और बड़े डेकोरेट करके मनाते ने सैलीब्रेट करते हैं। उस लड़ी दे विच दीपावली तो पहला बाज़ार भी सजते हैं, बाज़ारां दी रौनक देखदे बनती है, चहल पहल शुरू है और लोगों का आना बरकरार है। इस दौरान असी अटारी बाज़ार च आए हैं, अटारी बाज़ार दे विच दुकाना तो सजिया ने, तो आओ तुहानू पाल टिड्डर ते लै चलते हैं जिथे कि सजावट का दिवाली के टाइम पर घर में सजाने का हर एक समान मिल जाता है। तो आओ उन्होंने ओनर जिहड़े ने उन्होंने गल करते हैं। जी हाँ चल जी, राम राम जी। दैनिक सवेरा दे सारे दर्शकों मेरे वालों राम राम। दिवाली के उपलक्ष्य सारे बाजार के बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है, पूरा बाज़ार सजाया हुआ। उस दौरान ही आप भी सारा नवी नवी चीज़ें लैके आए हैं। दिवाली की डेकोरेशन के हिसाब न जो आइटम चलती है सारी आइटम आप इकट्ठिया करके ताकि ग्राहकों को वधिया तो वधिया चीज़ें दे सकी। बाज़ार बहुत ज़्यादा रौनक हैगी इस टाइम, बाज़ार पूरा सजाया पाया। इको ही महीने के इन्ने ज़्यादा त्यौहार आ गए हैं, पहले दुशहरा आया, फिर हम करवा चौथ हैगा, फिर दिवाली है, उनके करके पूरा बाज़ार सजाया हुआ। बाज़ार पूरी रौनक हैगी, सारे आप शुभकामना दें दिवाली दी। दिवाली के सारे अपने घर सजा, सारे पटाके बजा, बच्चों भी बहुत शौक है पटाके बजा का, पटाके का भी त्यौहार है। जी अमित जी, जय श्री राम, जय श्री बाला। दैनिक सवेरा सारे दर्शकों को दिवाली दी बहुत बहुत शुभकामना। जिस तरह की मेरे छोटे भरा ने कहा कि दिवाली बाज़ार बहुत चंगी तरह सजे हुए हैं, तो इस करके दिवाली से सारे बहुत ज़्यादा उम्मीद होंगी है। लोग तरह तरह के स्टाल लगाते हैं, कोई फड़िया लगाता, कोई दीप दिवाली से मोमबत्तियाँ बेचता, कोई दीपक जलाता, कोई दीपक दे फड़ी लगाता। सारे बहुत ज़्यादा, कोई छोटा दुकानदार है या वड्डा दुकानदार, सारे दिवाली तो बहुत ज़्यादा उम्मीद होंगी है कि दिवाली आई है, साढ़े घर में भी खुशियां आ गई। तो इस करके दैनिक सवेरा भी जगह जगह जाके इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, देख रहे बाज़ार का की माहौल है, हर जगह जाके लाइव कवरेज कर रहे हैं। तो दैनिक सवेरा इस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक सवाल है जी, जिस तरह दिल्ली में तो सरकार ने कह दिता कि 1 दिसंबर तक, 1 जनवरी तक, यानी कि पटाका जोड़ा उत्ते बैन है, बिल्कुल ना चलेगा ना विक्री होएगी। जलंधर से या पंजाब दे विच कोई इदां दा तुहानू लगा सरकार ने? नहीं, मान सरकार ने इस तरह कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने सारे जो लोगों के पैसे लगे पटाके के, सारे का उन्होंने हित बारे भी सोचा, तो उन्होंने किसी ने इस तरह के कोई नैगेटिव मीटिंग, कोई भी अपना कोई इस तरह का इशू नहीं क्रिएट किया। सारे खुशी खुशी दिवाली तैयारियों में लगे हुए। जिस तरह बल्टन पार्क के दिन दुकाना सज जाती है, अजे तक कोई इदा का मन च नहीं? वो अगे भी 1 हफ्ता 10 दिन ही लगते हैं, बस अपना हूँ करवा चौथ के वर्त तो बाद 1-2 दिन बाद हो लग जाएंगे। अज अपना DC साहब ने ड्रा भी कड़े ने पटाके के, उनके भी जिन्हें ड्रा निकले ने उन्होंने फिर कल परसों लाइसेंस इशू कर दिए जाएंगे, तो बाजार बड़ी जल्दी लग जाएगी। सारे हैप्पी दिवाली। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुरा मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाएगी, जिसमें सर्वप्रथम माँ त्रिपुरा मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायिका किरण बावा ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रवन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। अंबा
Oh,
है गणपति सेवा सोसाइटी जालंधर छावनी की ओर से 22वां वार्षिक जागरण 27 अक्टूबर दिन रविवार को मोहल्ला नंबर 23 और 24 के मध्य जालंधर छावनी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई, जिसमें राकेश शांति दूत और अशोक सरीन हिक्की ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर ध्वजारोहण की रस्म अदा की। इस मौके पर सोसाइटी के प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू, कमल प्रधान, अभिनव, मनीष, रविकांत, रणदीप, राहुल जिंदल, ममता, रितिका, गीतांजलि, हेजल, लक्ष्य, राजू पंडित, नीतू, मोहित, किरण, सुनीता, सूरज सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय गणपति सेवा सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष श्रीमान पप्पू जी और आज के इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में आए गुरुदेव जी, ऋषि जी, गोयल जी और ओम प्रकाश जी, सारे आए हुए माता के भक्त माताओं के। आज के इस कार्यक्रम में आके मेरे को ऐसा लगा कि जैसे महारानी खुद अपने काज करवाने के लिए आप सबके माध्यम से आप सबके रूप में आई है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो उसको एक बार करवाया जा सकता है, निरंतर वो कार्यक्रम तभी हो सकता है अगर माता रानी की कृपा हो। और पप्पू जी पर और उनकी सारी जो टोली है जो इस काम पे लगी है, जो माता रानी का काम कर रही है, उन सब पर मेरे को विश्वास ही नहीं, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, दिख रहा है कि सब पर माता रानी की कृपा है। और मैं आज के इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
आप सबको बधाई देता हूँ। आज गणपति सेवा सोसाइटी जलंधर कैंट जिन्हों के अध्यक्ष हरविंदर सिंह जी पप्पू जो हर साल एक भव्य जागरण जोड़ा वो करा रहे हैं, इस बार भी जो जागरण है बहुत भव्य होना है। 27 तरीक न महला नंबर 23 और 24 उन्होंने निवास स्थान पर बहुत भव्य जागरण हो जा रहा है, जिदे मनी लाडला जो अमृतसर को है वह महाराणी के गुणगान करने आ रहे हैं। वो उपलक्ष्य के अज हनुमत ध्वजारोहण जो पप्पू जी के निवास स्थान पर हर साल जोड़ा ध्वजारोहण का प्रोग्राम होंगे, वो साढ़े भरा बीजेपी तो साढ़े अशोक जी और साढ़े होर धार्मिक और संस्था सारे ही जोड़े है वो निवास स्थान पर पप्पू जी के आए हैं। मैं सारे का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंदिर श्री बीरपुर प्रबंधक कमेटी वालों जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी। जो कि हर साल की तरह इस साल भी जो माता चिंतापुर्णी के चरणों के करके मेरे मेहर भरे हाथ उन्होंने और अज मैं जो कि महिमा वासी जागरण के झंडे की रसम जो कि साढ़े वे भरा उन्होंने हिम्मत के नाल उन्होंने आशीर्वाद के नाल हुई है। मैं उन्होंने इतने कैंट आने लख लख बधाई दिना। उन्हें विच जो साढ़े वे भरा सोनू जी, भूषी जी और साढ़े विक्की जिंदल जी उन्होंने पूरी टीम का जो कि बहुत सहयोग है, मैं इतों बहुत बहुत सारे का धन्यवाद करना जो कि मैंने हिम्मत देते हैं। और इस तरह ही शोभ सरीन जी को कहना कि 27 तरीक को आके सारे ने मिल के अपना माता रानी की जोत जगा के जो कि महामाई का आशीर्वाद लेना है। उन्हें शोभ सरीन जी की ड्यूटी लगी हैगी है, जेडे कि साढ़े बिट्टू जी जो कि साढ़े वे भरा वो भी जेडे कि इस वे एम पी ने उन्होंने भी आना और अच्छ साढ़े फौजी जो कि शीतल विज प्रधान देवी तला उन्होंने भी आना सगा उन्होंने तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्होंने भी अपने आप से बहुत बहुत धन्यवाद करता इतने आने उत्ते और यही हिम्मत करता कि सारे जने मैनू मेहर भरिया हाथ लगन। मैं सारे की इस तरह ही सेवा करता रहा और मान आशीर्वाद लेता रहा। साढ़े ऊषा प्रधान जी दीपनगर तो उन्होंने भी आए और सारे जिन्हें भी मेरे साथी माता भैन जो कि मेरे मैनू इन्ना सहयोग दिंदियां मेरे बच्चे सारे का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता। जय माता दी, जय माता दी। सबका भला कल्याण हो इस धारणा को धारण करते हुए हरविंदर सिंह पप्पू जी जय गणपति सेवा सोसाइटी की तरफ से हर वर्ष पिछले 22 वर्षों से माँ भगवती का जागरण कर रहे हैं ताकि हमारे जिंदर छावनी के क्षेत्र में सुख शांति समय सौहार्द प्रेम बना रहे। इस चेष्टा को रखते हुए ये जागरण करवाते हर बार हमारे मध्य अशोक सरीन जी बीजेपी के सीनियर लीडर और उषा बहन जी, पंडित राजू जी, कमल प्रधान जी, अटवाल जी, ये सभी गणमान्य व्यक्ति हमारे मध्य बधा रहे हैं। मैं गणपति सेवा सोसाइटी की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये हमें सहयोग दें, वैसे प्रकार हमारे साथ खड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 27 तरीक को महला नंबर 23 और 24 के बीच में लगाया जा रहा है जिस जागरण का आज झंडा समारोह किया गया है। छोटी छोटी लटके बनाई हैं, सारी बड़ी बड़ी भी संतें आई हैं, आशीर्वाद लिया। हम श्री सनातन धर्म रामा मंदिर की तरफ से सहयोग देते हुए हम हरिंदर सिंह पप्पू का धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले जय गणपति सेवा सोसाइटी के सर्वे सर्वा हमारे बहुत ही प्यारे भाई पप्पू जी और इनकी सारी टीम, पंडित जी महाराज और सारी टीम, रंग भवन के हमारे साथी, अभी मुझे मेरे लिए तो एक शेर पड़ा कि आप आए मतलब कि आने से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं इस काबिल नहीं हूँ वैसे जैसा इन्होंने शेर पढ़ा, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं आपके प्यार का आपके प्यार में इतना बंधा हूँ कि आज रास्ते में हम शहर से बाहर थे तो रास्ते में आजकल किसान भाइयों का आंदोलन फिर से शुरू हुआ है, कहीं रास्ते में रोक रहे हैं, इधर उधर से होकर आना पड़ रहा है।
भगवान वाल्मीकि प्रबंधक समिति सोला लिंक रोड जालंधर द्वारा भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी और डॉक्टर नवजोत दहिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दलित नेता परशोत्तम सोंधी, समिति के सदस्य अध्यक्ष बॉबी सोंधी, कैशियर रतन हीरा, जनरल सेक्रेटरी विक्रम भंडारी और चेयरमैन उमेश कल्याण ने भी कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर समिति की ओर से आए हुए मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह और सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष बॉबी सोंधी ने अपने संबोधन के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में समानता, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने की बात कही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, अज भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाशोत्सव की खुशी के उपलक्ष्य के आबादपुरा लिंक रोड के प्रबंधक कमेटी जिसके प्रधान बॉबी सोंधी जी और रतन जी और भंडारी साहब, कल्याण नीता कल्याण जी, सबरवाल साहब, नीरज वालपुरा, सारिया संगत ने रल के ये लंगर का आयोजन किया वा। बड़ी खुशी की लहर है संगतों के और बड़ा वो जोश के नाल हर साल की तरह बड़ा वध चढ़ के लंगर लाया जाता वा। मैं समझदा भगवान वाल्मीकि जी बहुत वड्डे पर्वत दिगार सी जिन्होंने सीता माता की रक्षा की है और लव कुछ पालनहार है, उन्होंने युद्ध की सिक्ख्या दी, बहुत वड्डे योद्धा सन, जिते रामायण और योग वशिष्ठ लिखा मैं समझदा बहुत वड्डे फिलोसफर सन। सारे रामायण के इर्द गिर्द ही भारत की जी सृष्टि की हैगी है बंतर घूमती है और जिस विच दर्शाया गया है कि एक बेटे नू अपने माँ बाप के प्रति किन्ना वफादार होना चाहिए, किन्ना आज्ञाकारी होना चाहिए। सीता माता जी के पात्र नू देख के इस तरह लगता कि एक औरत का अपने पति के प्रति किन्ना स्नेह होना चाहिए। सीता माता जी चाहते तो एक राजे की बेटी होने के नाते महलों च भी यह बनवास कर सकते सी, लेकिन उन्होंने ये बनवास जरा 14 साल का अपने पति के नाल जंगलों के विच कटिया तो भरा की सिक्ख्या दिती जाती है। भरा ने भी अपने राजपाठ के बटवारे नू एक खड़ावा रख के सारे 14 साल कटे। तो मैं समझदा ये मतलब बहुत वड्डी देन है, बहुत वड्डा ग्रंथ है जो भगवान वाल्मीकि जी ने सानू दिता वा। सानू उन्हां दे विचारां दे उत्ते पढ़ के ये जिंदगी दे विच इहनू अमल करना चाहिए। अज दे शुभ दिहाड़े की मैं लख लख वधाई दिंदा होया। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। हाँजी, मैं बॉबी सोनी प्रधान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी वालों अज असी लिंक रोड ते लंगर लाया सीगा जिस विशेष तौर पर साढ़े पहुँचे राजेंद्र बेरी जी और डॉक्टर नवजोत दहिया जी और पुरशोत्तम सोंधी जी, बिपल सब्बरवाल जी। मैं इन्हों बहुत धन्यवाद करता वा इन्होंने आन के साथ लंगर की रौनक बधाई आ और असं सारे शहर वासियों को लख लख बधाई देंगे वाल्मीकि जयंती की। मैं विक्रम भंडारी, जनरल सैकटरी भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी लिंक रोड तो है। अज भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस के शुभ मौके के उत्ते भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी लिंक रोड द्वारा महला निवासियों के सहयोग के नाल एक विशाल लंगर लगाया गया। इस शुभ दिहाड़े के उत्ते मैं अपने जलंधर वासियों, पंजाब वासियों, समुचे देशवासियों लख लख बधाई दिना और जोड़े मुख्य अतिथि साढ़े इतने शामिल होए उन्होंने धन्यवाद करता वा और साड़ी कमेटी इस तरह ही ये प्रगट दिवस धूमधाम नाल मनाउंदी रहेगी। धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। पुलिस कमिश्नर जालंधर ने पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थाई लाइसेंस किए जारी। डिप्टी कमिश्नर जालंधर ने नकोदर और शाहकोट मंडियों में धान खरीद की प्रक्रिया का किया निरीक्षण। 211 करोड़ रुपए का भुगतान किया सुनिश्चित। भारत विकास परिषद आस्था जालंधर शाखा द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।